शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच शुक्रवार की रात शहर की जनता और सभी अधिकारियों के लिए एक आशा की किरण साबित हुई। शहर में ऑक्सीजन की कमी के बीच शुक्रवार रात लगभग 8 बजे के दौरान नागपुर रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन के 7 लिक्विड टैंक विशाखापट्टनम से नागपुर पहुंचे, जिससे शहर के आम जनता के साथ सभी अधिकारियों ने राहत की सांस ली। ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए निकली ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुक्रवार को रात करीब 8 बजे नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। कोविड-19 के दौर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रही है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस 7 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों के साथ विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की साइडिंग से नागपुर स्टेशन पर शुक्रवार रात करीब 8 बजे पहुंची। 3 टैंकर नागपुर स्टेशन पर उतारे गए और शेष महाराष्ट्र के नाशिक रोड स्टेशन के लिए कर दिए गए। रेलवे ने संकट के इस दौर में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाकर आम लोगों की जिंदगी बचाने में अहम भूमिका निभाई है। ऑक्सीजन टैंक के नागपुर पहुंचने से शहर में हर किसी ने राहत की सांस ली। एक और जहां शहर में दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है, वही दूसरी ओर ऑक्सीजन की कमी भी शहर में महसूस हो रही है। इसी बीच इन ऑक्सीजन टैंकर का आना एक आशा की किरण साबित हुआ है। इस वक्त BCN न्यूज ने अधिकारियों से संवाद साधा, जिस दौरान उन्होंने इस बारे में अधिक जानकारी साझा की। मैडम, ये विशाखापट्टनम से टैंकर आए हैं, इसमें 7 टैंकर है। 7 टैंकर, ये इसको रोरो बोलते हैं, रोल ऑन रोल ऑफ टैंकर DBKM फ्लैट वैगन है, उस पर चढ़ा के लेके आए। रेलवे ने फास्ट एंड इफिशियंट ट्रांसपोर्टेशन इसका किया है ग्रीन चैनल के माध्यम से। इसमें से 3 टैंकर हम स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट के अनुसार यहाँ उतार रहे और बाकी के 4 टैंकर से नासिक के लिए रवाना किए जाएंगे। देखिए, ये 3 टैंकर है, हर एक की कैपेसिटी 15 मेट्रिक टन है और ये विशाखापट्टनम से अभी यहाँ पर आए हैं और ये ट्रेन अभी आगे नासिक जाएगी। इसमें से 3 टैंकर जो है हम वो अभी ये स्पेशल प्लेटफॉर्म यूज़ करके उन 3 जो टैंकर्स हैं उनको अलग करेंगे और उनको यहाँ पर जो हमारा प्लान है, प्री प्लान है, वहाँ पर दिए हुए हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट्स में जाएगा ये। शहर में दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, साथ ही ऑक्सीजन की कमी भी लोगों को महसूस हो रही है। इसी बीच आज विशाखापट्टनम से यहाँ पे नागपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे ऑक्सीजन के टैंक 7 टैंक यहाँ पे आए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे टैंक लगे हुए हैं और ये विशाखापट्टनम से आए हैं, 7 टैंक यहाँ पे आए हैं, जिसमें से 3 टैंक जो है जो नागपुर के लिए अवेलेबल कराए जाने वाले, आगे 4 नासिक के लिए भेजे जाने वाले हैं। ऑक्सीजन टैंक के आते ही कहीं ना कहीं हर किसी ने राहत की सांस ली है, क्योंकि शहर में दिन प्रतिदिन जिस तरीके से कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उतनी ही तेज़ी से ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो गई और इसी में ऑक्सीजन टैंक का आना हर किसी के लिए एक राहत की सांस है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।